Okay, all right. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Manushka and I'm back to my senses. ठीक है यार, fashion related content, beauty related content ही इस channel पे डालेंगे, नहीं डालेंगे bookish content. If you are someone new here, तो आपको पूरी story नहीं पता होगी. तो मेरे पुराने subscribers के लिए I might make a story time video, but मैं हर बार ये नहीं कह रही कि I'm back. वो boring हो जाता है. Anyways, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पर हो, है ना. वो है ये मिंत्रा हॉल. तो इस बार सब की तरह, जैसे सब लोग मिंत्रा जो EORS सेल लगती है उसका हमेशा वेट करते हैं, मैं भी वेट कर रही थी और आई एक्चुअली गॉट सम प्रिटी गुड डील्स. एंड अभी जब मैंने वो ओपन करके देखा है इस वीडियो से पहले, थोड़ी देर पहले, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को प्रोडक्ट्स भी एक्चुअली क्वालिटी काफ़ी सही मिल गई है. जितनी भी चीज़ें मैंने ली, एक भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम अनसेटिस्फाइड विद इट, अपार्ट फ्रॉम द साइज़ ऑफ वन टॉप जो मैं बताऊँगी. बट चल स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं. और मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है यार, इतने दिनों बाद कोई फैशन हॉल और ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट शूट करने में, बट ठीक है, हो जाएंगे वापस उसी ट्रैक में, है ना. ओके, सो द फर्स्ट टॉप दैट आई वांट टू शो यू इज दिस वन फ्रॉम प्लस एस इन मॉव कलर. आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये पिक्चर में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा था, बट इन रियल एज सून एज आई ओपन द पैकेज मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था. और मम्मी ने तो बिल्कुल ही ऐसा मेरा मूड खराब कर दिया, बोलती मटमैला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला टॉप, ये कैसा कलर तुमने मंगा लिया, गंदा गंदा सा लग रहा है. तो मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, बट एज सून एज आई वोर दिस टॉप मज़ा आ गया. इसकी फिटिंग इतनी प्यारी है, इट्स बॉडी हगिंग एट द राइट प्लेस. आई थिंक इट्स बिकॉज इसमें इलास्टिक भी है उसकी वजह से भी. रादर देन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्क्वायर नेक है, तो स्क्वायर नेक का मेरे पास और भी एक दो टॉप है, उनकी फिटिंग मुझे सही नहीं आती है फ्रॉम द नेक, वो लूज़ हो जाता है, यू नो, इट फॉल्स ऐसे भी. तो आई वॉज़ अ बिट स्केप्टिकल कि यार इसकी भी कहीं ऐसी ना हो जाए, कलर भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, यार ये ख़राब हो गया. और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महंगा था टॉप जो मैंने सारे अभी इसमें लिए हैं, तो मैंने कहा यार ख़राब हो गया, बट नहीं, बहुत अच्छा आया. और पहनने के बाद एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है, कलर भी बुरा नहीं लग रहा पहनने के बाद. तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाई दिस वन. ये एक बेस्ट सेलर भी है, कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इट्स कॉटन, इट्स ब्रीदेबल, I loved it. I got it in small size and yeah, would recommend you guys as well. The second one, कौन सा दिखाऊँ? ठीक है, my next favorite. मतलब सारे ही अच्छे लगे हैं खैर, मैं honestly बताऊँ तो, but ठीक है. This, because black of course. So this one is from Sassafras, again in small size. और ये है knitted cloth, you know, knitted fabric जो होता है cotton में है. As soon as I wore it, मेरे को तो इसको देख के भी मुझे ये पसंद आ गया था, क्योंकि क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है. इट्स सॉफ्ट, इट्स नॉट एट ऑल ऐसा फ्लिम्सी सा जो सी थ्रू टाइप का कुछ क्लॉथ नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी. एंड आई फेल इन लव विद दिस, स्पेशली द नेक, मैंने नेक की वजह से ही लिया था, मुझे इसका डिफरेंट नेक लग रहा था. एंड यू वोंट बिलीव द प्राइस आई गॉट इट फॉर. इसका MRP 899 है एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 324 और 327, लेट मी चेक द स्क्रीन शॉट. या गॉट इट, दिस वन इज़ फॉर 341 रुपीज़. हाईली रिकमेंडेड. नेक्स्ट इज़ अ टॉप विच वॉज टोटल स्टील डील फॉर मी. दिस इज़ फ्रॉम टोक्यो टॉकीज. और मुझे लेने से पहले भी थोड़ा सा स्केप्टिकल थी यार, इतने सस्ते में कैसे मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि व्हेन आई टेल यू द प्राइस यू विल बी शॉक्ड. बट हाँ, इसका कलर ये मरून टॉप है और ऐसे बहुत ही ट्रेंडी चल रहे हैं आजकल टॉप. द ओनली थिंग दैट डिडंट वर्क फॉर मी इज़ द साइज़. मैंने साइज़ चार्ट के हिसाब से एक्चुअली साइज़ लिया था, दो आई यूजली बाय स्मॉल एंड मीडियम फॉर माई सेल्फ, बट उस चार्ट में जो चार्ट आपको दिख जाएगा उसके अकॉर्डिंग आई बॉट लार्ज और ये मुझे बड़ा आ गया है. तो आई हैव यू नो, मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दिया रिक्वेस्ट, तो ये एक्सचेंज मुझे करना है. अदरवाइज मैं प्राइस बताऊँ इसका कितना है. दिस वन आई गॉट फॉर 194 रुपीज़. आई टोल्ड यू अ टोटल स्टील डील, 200 रुपये के अंदर कौन सा टॉप मिलता है. और प्लस ऐसा नहीं है कि ख़राब क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एकदम सॉफ्ट कॉटन है और बहुत ही प्यारा है. आई लव्ड इट. और मतलब अगर फिटिंग थोड़ी सी बेटर, मेरे को अभी भी लूज़ है तब भी अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा सा वही साइज़ बेटर हो जाएगा तो और ही अच्छी फिटिंग आएगी इसकी. कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका. द नेक्स्ट वन, ओके, इसके बाद ट्राउज़र एंड पैंट बचा है, तो नेक्स्ट टॉप इज दिस वन दैट आई एम वेयरिंग. इट्स अगेन फ्रॉम Sassafras, यस. और दिस इज़ अगेन स्मॉल साइज़, इसकी भी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी आई है.
आई थिंक इसको पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसकी भी मुझे, क्योंकि मैंने पहले ये वाला ट्राई करा था तो मुझे ये लगा हाँ ठीक है थोड़ा बहुत लूज़ है चल जाएगा, जब मैंने ये पहना तो आई रियलाइज़ कि यार ये फिटिंग आनी चाहिए इस वाले की। लवली कलर, पहनने के बाद और ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है। दिस इज़ अगेन अ बेस्ट सेलर और आई वॉज अगेन स्केप्टिकल क्योंकि थोड़े से इसमें बटन है साइड से, कैन यू सी दिस, आपको उस वीडियो में दिख रहा होगा, तो आई वॉज़ लाइक कि यार ये बटन्स क्या ख़राब तो नहीं लगेंगे, ओपन तो नहीं हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये ओपन हो जाएंगे या फिर ख़राब लगेंगे, बिल्कुल सही फिटिंग आ रही है। दिस वन आई अगेन गॉट फॉर 323 रुपीज़ और मटीरियल अगेन निटेड है, क्लॉथ कॉटन है, बहुत ही अच्छी फिटिंग है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है एंड आई एम लविंग इट, तभी मैंने इसमें वीडियो भी पहन लिया ये वाला। नेक्स्ट आई वांट टू शो यू अ जॉगर दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ इन आर्मी ग्रीन कलर आई होप, और जो भी ग्रीन है, ग्रीन का कोई शेड है। दिस इज़ फ्रॉम रोडस्टर। इसको मैंने जैसे ही ओपन करा वाज लाइक यार मेरे को तो लगा था थोड़ा सा लाइट होगा क्लॉथ, बट इसका क्लॉथ एकदम, इट्स नॉट, इट्स कॉटन, इट्स गुड क्वालिटी, थिक, और मुझे सच में ये वाला भी स्टील डील ही लगा है क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 499 रुपीज़ का लिया है। कैन यू बिलीव दिस, मतलब इसकी अगर आपको, जब आप खुद इसको टच करोगे ना, फील करोगे, तो आपको लगेगा यार ये 500 रुपये में बहुत अच्छा है, रियल नहीं मिलेगा 500 में इतनी अच्छी क्वालिटी। मेरे को इसका एक्चुअली दूसरा लैवेंडर कलर लेना था लेकिन जब तक मैंने कार्ट में डाला तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मेरा साइज एटलीस्ट, और दिस वन आई गॉट इन मीडियम साइज़। या द नेक्स्ट, यार अब ऐसा मत सोचना मैं झूठ झूठ बोल रही हूँ कि क्वालिटी सबका अच्छा है, मैं खुद शॉक्ड हूँ यार कि काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ अब मुझे मिल गई है सब चीज़ों की, तो ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने उस क्लॉथ में इतना अब लेती हूँ कपड़े तो मुझे पता चल गया है कि पहले पूरा चेक करो रिव्यू, और आई डोंट गेट पॉलिएस्टर और विस्कॉस मटीरियल, आई यूजली ट्राई एंड गेट कॉटन, 100% कॉटन ऑन निटेड क्लॉथ, तो इस वजह से भी शायद। द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज़ the are these pants, white pants from Sastras again. Oh, मेरे को अभी realize हुआ मैंने Sastras से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। It's the third thing I guess. Yeah, third April from Sastras. तो अच्छा है यार Sastras. Okay, this one I got in size, in what size? In size medium. And MRP इसकी है 1699. I got it for around 600 something, yeah 679. Again a pretty good deal. बस इसका मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फ्लेयर इसमें ज़्यादा होगा नीचे से, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुद पिक्चर्स देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ तो इतना फ्लेयर नहीं था, मैंने पता नहीं क्यों सोचा इसमें ज़्यादा फ्लेयर होगा, बट उतना नहीं है, इट्स स्ट्रेट, और क्योंकि ये वाइट है, दो द क्लॉथ इज़ थिक, ऐसा नहीं है क्लॉथ थिक नहीं है, बट क्योंकि ये वाइट है तो मुझे लग रहा है हल्का सी थ्रू तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि इसमें जहाँ पर पॉकेट्स आ रही है ना, ये एरिया में पॉकेट्स आ रही हैं, तो पॉकेट्स लाइक डार्क दिख रही है, कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब पॉकेट का अंदर से क्लॉथ आता है वो डार्क, उतना एरिया वाइट एक्स्ट्रा डार्क दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सी थ्रू है, वैसे ऐसे नीचे से कहीं से सी थ्रू नहीं लग रहा है, बट मुझे अभी मैंने ले लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वाइट को किसके साथ पेयर अप करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास वाइट पैंट्स नहीं थी, जीन्स थी बट पैंट्स नहीं थी, और पहनने में मुझे समझ नहीं आता बहुत जल्दी गंदे जाते हैं, बट मैंने ले लिया शॉक में, तो अब हो गया है तो मैं पहन ही लूँगी, बट हाँ क्वालिटी वाइज इट्स प्रिटी गुड। वुड आई रिकमेंड इट? आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि मेरा ये फेवरेट में से तो नहीं था, ये वाला लीस्ट फेवरेट आई गेस, या बट ऐसा कोई बुरा नहीं है, मुझे नहीं इतना खास पसंद आया, तो या दैट्स इट विद दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और बताओ यार मेरे को किस टाइप की और ऐसी कैसी वीडियोस चाहिए, अब आप लोगों को कैसी देखनी है इस चैनल पे। आई नो अब मैं ऐसा फैशन रिलेटेड ही कंटेंट बनाऊंगी, नॉट ब्यूटी, आई एम नॉट श्योर कैसा मन, जैसा मेरा मन करेगा आई गेस मैं उस टाइप की वीडियोस उस चैनल पे बनाने वाली हूँ। ज़्यादा मैं प्रॉमिस नहीं कर रही क्योंकि यार हर बार मैं प्रॉमिस तोड़ देती हूँ, हर बार इस चैनल को भूल जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा जिसका अच्छा खासा चैनल है और वो हमेशा छोड़ देती है, बट कोई नहीं यार थोड़ी समझ आ जाए मुझ में तो मैं चैनल को चलाऊँ, बट अगर आपने मेरा नेक्स्ट सेकंड चैनल चेक नहीं करा है तो प्लीज़ वो चैनल चेक कर लो, क्योंकि उस पर मैं बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रही हूँ, डाल भी रही थी इतने टाइम में, तो अगर आपने मुझे मिस किया है तो आप वो चैनल को जाके देख लो, और अगर आपको बुक्स नहीं भी पढ़ना पसंद है तब भी वो चैनल जाके देखो, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन हैं, इतना टाइम से मैं यही कर रही थी, एंड या एनीवेज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आपको और क्या देखना है, or yeah with that said I'll see you later with another video, until then bye bye.